ये भाई साहब, ये सुन लिया आपने? इसके बिना इसका चलेगा नहीं। अभी लड़ाई होने वाली है यहाँ पे बहुत तगड़ी। सर लेके दो। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रॉम कालरा फैमिली फ्रॉम एडमिंटन। वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रॉम कालरा फैमिली फ्रॉम एडमिंटन। अब ठीक है? हाँ जी। कैसे हो आप लोग सब? आज वीकेंड है। वीकेंड क्या है, कल मतलब ये वीकेंड तो हमारा थोड़ा सा आराम करने में निकल गया। एक्चुअली शैली ने थर्सडे और फ्राइडे को डबल शिफ्ट मारी थी, थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई थी शैली की। हाँ, अब ठीक है, अब बेटर है। तो आज हमने प्लान किया है कि आज भी ज़्यादा एक्जर्शन नहीं करनी, एक दो घंटे में जो ग्रॉसरी करके लानी है पूरे वीक की, जो कि ज़रूरी होती है, वो करके लाएंगे। तो आपको तो साथ लेके चलेंगे ही हम, और भी कुछ कुछ बातें आपको दिखाएंगे हमारे डेली रूटीन की जो भी होती है हमारी। तो बने रहिए हमारे साथ। कुछ कहना चाहती हैं शैली जी आप? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, थोड़ी सी तबीयत मेरी वो हो गई थी, बस हल्का सा फीवर, फीवरिश थोड़ा सा हो गया था, पर ठीक हूँ मैं। नहीं अब नहीं, जेन्युइनली ये थोड़ा, ये बोल तो रही है थोड़ा सा, इसको बुखार हो गया था और अब ठीक है। लेकिन बहुत एग्जॉस्टन हो गई थी इसको ठंड के अंदर। तो नहीं, ठंड भी थी। हाँ, ठंड तो थी ही। हाँ, थोड़ा एक्सपोजर था ना आउटडोर, 6-8 घंटे आप आउटडोर ही रहो। हाँ, और ठंड वॉक करते रहना है। हाँ, तो वो एक्चुअली होता नहीं, पर वो हैक्टिक इसलिए हो गया क्योंकि मैं सुबह पहले अपनी एक जो रेगुलर शिफ्ट है वो करी 8 घंटे की, फिर सीधा ही ऑफिस से पहुंच गई, वहाँ पे 6-8 घंटे 10 घंटे वहाँ लग गए, तो वो थोड़ा सा हैक्टिक। और भाई वो हैक्टिक का मतलब मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि मैं इस सुबह जब ये जाती है और इसको मैंने दोपहर को वहाँ से 3 बजे इसकी साइड से पिकअप करके जब ड्रॉप किया ना, दोनों दिन इत्तेफाक की बात है स्नो हो रही थी। हाँ, स्नोफॉल हो रही थी और इतनी बर्फ़ थी। मैं भाई दाद देता हूँ, शैली सलूट मारता हूँ भाई, कमाल है। मतलब जिस तरीके से कर रहे थे काम, ऐसा कुछ नहीं है। ठंड तो थी ही, पर जो एग्जर्शन हो गई ना डबल शिफ्ट की, उस वजह से थोड़ा सा मेरे को हो गया। और इस ठंड से मुझे याद आया वो जो हीटेड सॉक्स हम लेके आए थे ना $100 की कॉस्को से। हाँ, आज हम कॉस्को वो वापस करके आएंगे क्योंकि वो ना एक्चुअली मेरा सारा पैर गीला हो गया था। मतलब अंदर मुझे ऐसा लगा कि पानी जा रहा है मेरे जूते में, तो जा ही नहीं सकता क्योंकि वो वाटर प्रूफ है, बिल्कुल विंड प्रूफ है। मेरे को अंदर ऐसा एहसास हुआ कि ठंड लग लग के ना वो बिल्कुल मेरा पैर जम गया। मैंने उसको ऑन भी किया, थोड़ी देर वेट किया, मैंने कहा ये आउटडोर काम नहीं करेगी तो मेरे किसी काम की नहीं है। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल काम नहीं करी और ठंडे रहे मेरे पैर, बहुत बुरा हाल रहा। तो और जितनी वो हीट उसने बनाई वो बेसिकली अंदर मॉइस्चर को कंडेंस कर दिया। हाँ, क्या किया क्या नहीं किया, और गीला हो गया और ज्यादा अकड़ गया। तो नॉट रिकमेंडेड, मतलब वो हीटेड सॉक्स में मत करना इन्वेस्ट। उसका वूल अच्छा है, हाँ काफ तक वो आ जाती है तो वो थोड़ा सा सारा रहता है, पर जो मेन उसका एक पर्पस था ना कि वो जो हमारे जो फीट है वो ना हो ठंडी। हाँ, मतलब वो नहीं हुआ, वो सॉल्व नहीं हुआ, कोल्ड को मिटिगेट करने के लिए बेसिकली। हाँ, वो तो नहीं है। तो ये वाली सॉक्स की हम बात कर रहे हैं, अगर दिखाओ जरा एक बारी। हाँ, तो ये वाली सॉक्स है, ठीक है दिखाओ शैली। तो दीज वर $100 प्लस टैक्सेस। हमें लगा था बहुत अच्छी चीज है। जब ठंड नहीं हुई थी ना तो हमने टेस्ट की थी तो घर के अंदर तो काम कर रही थी, हम बड़े हैप्पी। हाँ, लेकिन जब एक्चुअल ठंड थी उसके अंदर काम नहीं काम करी ढंग से। अब घर में तो करेगी, घर में तो हीटेड वैसे ही है। हाँ, पर अगर वो आउटडोर काम नहीं करेगी तो मेरे किसी काम की नहीं। बिल्कुल, तो ये मत लेना, तो हम रेकमेंड नहीं करते ये। बस ये हमने हेलोवीन की लाइट्स लगाई थी, ये बहुत क्यूट लगती है जब रात को जलती है। देखो कितनी ब्लैक आइस है, देखो इधर ये सारी ब्लैक आइस है जमी हुई है, खतरनाक। सूरज निकला हुआ है। सूरज धोखा है? सूरज तो धोखा है पर नहीं, थोड़ा टेम्परेचर आज ठीक है। बर्फ देखो पिघलनी शुरू हो गई ना, ये खतरनाक हो जाती है फिर। हाँ, ये पिघल के ब्लैक आइस बन जाती है और स्लिपरी होती है। हाँ, इसीलिए जो ग्रिप्स होती हैं हमें शूज के ऊपर चढ़ानी चाहिए। तो इंडिया में तो वर्ल्ड कप की धूम मची हुई है। हाँ, और इंडिया और इस बार इंडिया लेके जाएगी वर्ल्ड कप। बिल्कुल भाई, हमने सारी दुनिया सारी दुनिया ये कह रही है, क्या खेल रहे हैं यार अपने प्लेयर्स, अमेजिंग, हैट्स ऑफ। जब हमें टाइम मिलता है हम यूट्यूब पे हाइलाइट्स वगैरह देख लेते हैं, मजा आ जाता है। पूरा मैच तो देखने को नहीं मिल रहा, टाइम भी नहीं है यार। टाइम भी नहीं है और फिर वो हमारे पास वो चैनल वगैरह भी तो नहीं है। हाँ, देखें। हाँ, नहीं वो ले सकते हैं पर समय नहीं, वीकेंड ऐसे निकल जाता है। हाइलाइट
मतलब कल बीमार तो ही कल ही हुई थी, कल तो अलग बात है, सारा दिन ऐसे ही निकला है। बट सैटरडे संडे सिर्फ पूरे वीक की प्रिपरेशन में निकलता है बेसिकली। आप पूरे शहरी पूरे वीक की कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें बना, खाना बनाया, फिर शाम को मैंने कहा यार नहीं मैं कुकिंग नहीं करूंगी तो काम खराब है, सारा हफ्ता कैसे चलेगा। कुकिंग करिए भाई साहब, कुकिंग करके जो मेरे थेरेपी ना एक्चुअली कुकिंग है। मैं कह यार मैं अपनी कुकिंग मिस कर रही थी और कुछ नहीं है, मैंने अपना खाना वाना बनाया है मस्त। बस बढ़िया। तो आज लेकिन हमें 2 घंटे लगाने हैं, हमने सोचा हुआ है इससे ऊपर ग्रोसरी के अंदर टाइम नहीं लगाएंगे। हाँ हाँ ठीक है जी, थोड़ा बहुत सामान लेना है, कॉस्को भी जाना है, चलते हैं। ठीक है। ये वाली सॉक्स जो है ना, ये भी मैं कॉस्को से लाई हूँ, ये 6 पेयर है $20 के, लकी ब्रांड। ये भी कॉस्को में वेदर प्रूफ सॉक्स अब मिल रही हैं गर्म। एक ये वाली लाई थी, एक ऑफिस के लिए लेके आई थी, वो ब्लैक और वो सब कलर है, तो ये वैसे बाहर पहनने के लिए बूट्स के साथ। 6 पेयर से? हाँ 6 पेयर है और $20 की है ये। या $20 की, तो ये भी अच्छी है। वो वाली तो आज वापस करके आएंगी। ठीक है। हेलो भाई साहब, मैं डेविल के पीछे और डेविल आपके पीछे। तो हम बने हुए डेविल आज, क्योंकि हेलोवीन थीम है, हेलोवीन का वाइब है पूरे कनाडा में, तो व्हाई नॉट डेविल बन के निकले आज। और ना देखो मैंने ही लगाया हुआ। और ना बहुत प्यारी चीज है, आज मौसम जो है वो पॉजिटिव 2 degrees है, विच इज अमेजिंग। दिस इज अल्बर्टा, यहाँ कुछ भी हो सकता है कभी भी। अभी सुबह इतनी ठंड लग रही थी, सब कुछ जमा हुआ था बर्फ, पर अब इतना नहीं है, अब मतलब बहुत अच्छा मौसम है, तो हम हुडी में निकल आए हैं। हाँ, और गाड़ी में जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट। पर अगर आप वैसे जा रहे हो ना, मौसम देख के निकलो, पर जैकेट की लेयर हमेशा एक होनी चाहिए अगर आप बिना गाड़ी के जा रहे हो। ये देखो ऐसे जगह जगह ये बने हुए है ना, ये ब्लैक आइस जमी हुई है, उधर जमी हुई है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है। जी क्या ले रही हैं आप? ये कटिंग बोर्ड, बहुत ही चॉपिंग बोर्ड, बड़ा कमाल का है। और किचन के गैजेट तो है ही नहीं, तो कमाल की तो बहुत सारी चीजें हैं कॉस्को में, पैसे देखना कितने कमाल के हैं इसके। तो पैसे भी कमाल के हैं। हाँ। पर ये ना लिमिटेड टाइम के लिए, देखो गाइस जब भी ये स्टार देखो यहाँ पे, इसका मतलब ये लिमिटेड टाइम के लिए कॉस्को में चीज है, ये पता नहीं अब वापस कब आएगी। तो हॉलीडे सीजन में ही ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस होती हैं। तो मतलब लेना है अब ये, मेरी जान की मुसीबत है ये है। मेरे चॉपिंग बोर्ड टूट गए सारे। हाँ हाँ रखो रखो, सारा कुछ टूटा ही होता है। मैं ये ले रही हूँ। हाँ। लेना पड़ेगा, इसको लिए बिना चलेगा नहीं। अच्छा ये भाई साहब, ये सुन लिया आपने, इसके बिना इसका चलेगा नहीं, इसके बिना इसका चलेगा नहीं, मेरे किचन का नहीं चलेगा। हाँ $50 खर्चवा दिए इसने, और अभी मैं आपको ना कार्ड दिखाऊंगा। पीक वुड है। अबे तो पीक वुड है तो क्या। नहीं नहीं, वो एक्चुअली बहुत टाइम से सोच रही थी, अच्छा हुआ कॉस्को में मिल गया। वैसे आप बाहर से लोगे $80-90 का चॉपिंग बोर्ड। बिल्कुल बिल्कुल, 50 में मिल गया, अभी सस्ते में छूट गए। मुझे ये नहीं पता कि ये चॉपिंग बोर्ड बढ़िया है कि नहीं है, लेकिन मैं जरूर चॉप हो गया हूँ इसमें, मेरा वॉलेट। ओके भाई देखो, हम लोग ना पैन चेंज करने की सोच रहे हैं, तो ये स्किलेट अच्छे आए हुए हैं, कास्ट आयरन के इनेमल्ड, अच्छे रेट पे हैं, 2 पीस हैं इसमें $50 के। कर्कलैंड की डील भी अच्छी लग रही है ना सर? अच्छे हैं पैन, पैन तो अच्छे हैं, पर इस पे कोई लिखा नहीं हुआ कि ये अवन में भी यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये स्टील का हैंडल है ना इसका, इसके ऊपर लिखा होगा। ये क्या है, 3 पीस का सेट है, अच्छा लग रहा है मुझे, पता नहीं, देखते हैं इसकी डिटेल। लिखा हुआ है नहीं इस पे, ये कुछ हाँ, पर वो अभी नहीं, महंगा भी है और अभी नहीं, अभी मतलब मेन तो हमें यही चाहिए, तो हमने ना ये वाला ले लिया है, ये वाला फाइनल कर लिया। हाँ जी क्या? भाई साहब अभी ना यहाँ से निकली, कह रही ओहो ये तो मैं पता नहीं कितने टाइम से इसकी वेट कर रही थी। मैं एक्चुअली इसकी बहुत टाइम से वेट कर रही थी। हाँ। ये डिश रैक है। हाँ। जो कि मेरे को अपने किचन काउंटर पे ना वो जो कपड़े वाला वो होता है पानी सोखने के लिए वो लगाना पड़ता है। इसके सपने में, इसके सपने में शिव जी आए थे बहुत साल पहले, उन्होंने कहा था जब तू कनाडा जाएगी ना तो ये एक एक बारी ना ये तेरे को दिखेगा, तेरे को उसी टाइम लेना है। हाँ, तो देखो शिव जी का आदेश तो मैं टाल नहीं सकती,
तो इसलिए ये एक्चुअली ये लेना पड़ेगा। तो ये $40 का है, मेरी जेब काट ले पूरी। और ये मेरी किचन को बहुत, मेरी किचन कैरी है, प्लीज ये चाहिए। ये भाई साहब, ये कैमरे पे जो इतना मुस्कुरा के बात हो रही है ना, ये अभी ना यहाँ पर फैल गई थी छोटे बच्चे की तरह। अभी लड़ाई होने वाली है यहाँ पे बहुत तगड़ी। सर लेके तो ये यही फैल गई थी छोटे बच्चे की तरह। मैं कैसे यार भाई, मेरी जेब में छेद हो जाएगा। चलो जी, अब ना ये मान गई है कि हाँ चलो, ये ना ये वांट है, ये नीड नहीं है इस समय। हाँ, इसकी क्वालिटी ना, लेकिन डिस्क्लेमर लगाया है साथ में। पर मैंने देखा एक और, हाँ, कह रही किचन एड का लूंगी, वो $80 का है, ये $40 का है, वो $80 का है। आप समझ रहे हो, क्वालिटी अच्छी है ना, उसका जो मैकेनिज्म है वो। अबे पैसे भी तो डबल है, कहाँ से लाऊं? तो किचन एड भी तो है सर, चेक कर लिया। कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ। कितने का बिल है गाइस? ये है हमारा सामान, सम नीड सम वांट, और बिल है $366, विच इज ओके। जैकेट भी है, सामान है सारा, टेप बोर्ड वगैरह, पैन। इसमें से एक्चुअली एक जैकेट जो मैंने ली है वो दूसरी जैकेट मैं वापस करूंगी, ऐसा मैं अपने दिमाग में सोच रही है बस ये पक्का कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कारा साहब, आप सबको पता है, आप लोगों को पता है क्या? आप क्या, आपको फंडा करने भाई, मेरे को परेशान करने का और कुछ नहीं। पर भाई साहब $366 का बिल आया, तो क्या हो गया भाई साहब? लेकिन इतना बता देता हूँ कि जैकेट बहुत अच्छी है, वो टॉमी हिलफिगर की है, तो वील फिगर इट आउट कि ये रखनी है कि वो रखनी है। दूसरी एक ब्लू कलर की थी, अगर दोनों रखनी होंगी तो भी इट इज गुड। जैकेट्स आर ऑलवेज इन्वेस्टमेंट इन कनाडा। हाँ, तो मेरे को ये ज्यादा अच्छी लगी टॉमी की, और वो भी अच्छी है। वो ज्यादा ठंड के लिए मुझे लगा कि शायद नहीं है, अब मैं कंफ्यूज हूँ। ठीक है, कंफ्यूज इसलिए हूँ कि मुझे वो भी पसंद है और ये भी अच्छी लग रही है। तो लेट्स सी, मैं वो वापस करूंगी या क्या करूंगी, देखते हैं। पर वो सॉक्स वापस कर दी, वो वर्थ नहीं थी, वो वर्थ नहीं थी। मैंने बड़े अच्छे सॉक्स लिए हैं, देखो ये मैंने पहनी हुई है, जो मैंने अभी आपको दिखाई भी थी, ये अच्छी है, गुड है। जितनी जरूरत है उतनी हिसाब से सही है। हाँ, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से कभी सामान नहीं लेती है, ये झूठ बोल रही है। कुछ भी चल रहा है, कुछ भी बिक रहा है। चलो ओके, चलते हैं घर। घर नहीं चल रहे वैसे, अभी हम एक जगह और जाएंगे, चलो फ्रेस्को, क्योंकि हमें थोड़ा सा सामान लेना है वहाँ से। अभी आपसे ये वेट नहीं हो रहा, अभी खानी है आपको। कोई खड़ा होगा वेट पार्किंग के लिए तो क्या करेंगे? दे कैन वेट। डेट्स लिए हमने एक्चुअली ना, दिखाओ। These are stuffed dates. Stuffed dates हैं, पिस्ताशियो, आमंड, और क्या है? और है पीकान, और जो cashew nuts. नहीं, ये पीच, ड्राइड वाली। हाँ, ड्राइड पीच जो होता है, एप्रिकॉट, सॉरी, ड्राई एप्रिकॉट। वाव भाई, दो लेयर हैं। ओ वाव, $12 का है ये, 12 समथिंग, $13, 13। हाँ, awesome है, let me try। ओए ओए, wow, जबरदस्त चीज है भाई, बड़ी स्वाद है यार, तो बड़ी स्वाद है, very tasty, what a dessert, पिकान वाली, wow। चलो चले फटाफट, चलो फ्रेस्को, जहाँ से ज्यादा सामान नहीं लेना, फ्रेस्को। हम लोग अभी घर में घुस गए हैं। हाँ जी, घर आ गए हम लोग, सामान ले आए हैं सारा। अब फ्रेस्को, चलो फ्रेस्को क्या दिखाना था आपको, तो आपने देखा हुआ है। घर में वैक्यूम हो जाता है, बढ़िया लगता है, अपना बेड भी सही बनाया हुआ है। ये है हमारा लल्लू बच्चा। बिना हैमर की ऐसी कोई स्ट्रोक निकाल सकता है? स्ट्रोक बना दिए बेड पे पूरी इसने, कर करके। गुड है। ये क्या क्या यहाँ सजा रखा है तूने? ये सामान है थोड़ा सा, लेट्स बीट इट। ओहो, वाइन ले। बाहर के काउच में भी देख क्या जबरदस्त स्टार ट्रैक है। अंदर शर्ट भी है एक। वो तो फिर सरप्राइज बताना है ना, अभी तो सरप्राइज है वो। हेलोवीन पे कोई, इसको हमने कॉस्ट्यूम लेके दिया है,
स्टार ट्रेक का मिस्टर स्पॉक बन के जाएगा हैविश। तो इसमें सरप्राइज क्या रखना है? अभी वो दिखा नहीं रहा, वो उसी दिन दिखाएगा आपको पहन के जब मिस्टर स्पॉक बनेगा। तब उसके स्कूल में हैलोवीन का कुछ है प्रोग्राम, पार्टी है, हैलोवीन पार्टी है, तो उसमें जाएगा वो मिस्टर स्पॉक बन के। अगर टेम्परेचर अच्छा रहा तो बच्चे बाहर ट्रिक और ट्रीट करने तो जाएगा ही है, पर तब उस टाइम पे तो फिर लेयरिंग करके ही बाहर निकलेगा। पर स्कूल के अंदर जो हैलोवीन पार्टी है उसमें मैंने इसको बोला अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फोटोग्राफ वगैरह ले लेना ताकि हम इंस्टा पे शेयर कर सके। कलेक्टिबल मिस्टर स्पॉक की ड्रेस ली है हमने, कॉस्ट्यूम मिली है हमें, वो फेजर उसके साथ सब कुछ है, फेजर उसका है। उसका जो ट्रांसमीटर क्या है वो जो खोल के बात करता है, ट्राइकॉर्डर, और उसका वेग है, ईयर्स है, और मस्त है, टी शर्ट बड़ी प्यारी है उसकी। चलो आपको उसी दिन दिखाएंगे। तो चलो जी इसके साथ ही करते हैं इस व्लॉग को हम एंड, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बिल्कुल, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, जरूर करें लाइक शेयर सब्सक्राइब। कई बार हम देखते हैं जब स्टैट्स, तो उसके अंदर 75% ऑफ द पीपल वो देख के जाते हैं व्लॉग्स लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं आते, एक सब्सक्राइब ही तो करना है बस। और एक चीज और है, हमने नोटिस किया है कभी कभी ना कमेंट्स के अंदर सब्सक्राइबर्स आपस के अंदर ही थोड़ा सा आर्गुमेंट कर लेते हैं, वो ना करें उससे मतलब नहीं अच्छा लगता, मतलब सबका अपना ओपिनियन है, सबके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करो यार। हाँ ठीक है, कुछ लोग बुरा भी बोलते हैं कुछ अच्छा बोलते हैं, भाई जो बुरा बोलते हैं उनके साथ अच्छा बोलते हैं उनके साथ, राइट। तो सबको थैंक यू है जो बुरा बोलते हैं उनको भी, कि टाइम निकाल के हमारे लिए बुरा बोलते हैं। बिल्कुल जी, और जो अच्छा बोलते हैं वो तो अच्छा बोलते ही है। हाँ। पर लड़े ना, हाँ, आपस में आर्गुमेंट ना करें। बाकी इसके अलावा डू व्हाट एवर यू वांट टू डू मैन, जस्ट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। यस, गुड बाय फ्रॉम एडमिंटन, बाय बाय, टेक केयर।